चलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हम व्हाट्सएप पर किसी पर्सन का स्टेटस को देखते हैं तो देखने के 24 आवर्स बाद वहाँ से वह स्टेटस जो है ऑटोमेटिक गैप हो जाता है, जो कि आप सभी को पता होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक शेयर करूँगा जिस ट्रिक को यूज़ करके आप व्हाट्सएप में 24 आवर्स बाद भी उस व्हाट्सएप का स्टेटस को आप आसानी से देख पाओगे, चाहे वह स्टेटस आपका गर्लफ्रेंड का हो या आपका बॉयफ्रेंड का हो या किसी पर्सन का हो। आप आसानी से 24 आवर्स बाद भी उस स्टेटस को आप देखना चाहो तो आसानी से देख सकते हो। तो ये ट्रिक को कैसे यूज करना है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और आप देख रहे हैं अकील फॉर यूट्यूब चैनल। चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा व्हाट्सएप पर बहुत लोगों को हम स्टेटस देखते रहते हैं पूरे दिन। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स अभी क्या होगा, मैं ये सारे स्टेटस देख चुका हूँ तो अभी तो यहाँ पर शो रहा, लेकिन 24 आवर्स बाद ये स्टेटस यहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। आपको पता होगा स्टेटस जो लगता है वो 24 आवर्स तक ही रहता है, उसका जो डेट टाइम जो रहता है 24 आवर्स, इससे आप ज़्यादा अपने स्टेटस को नहीं रख सकते। तो अगर आप चाह रहे हैं 24 आवर्स बाद मैं उस स्टेटस को दोबारा से सी कर पाऊँ, मतलब देख पाऊँ, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ सिंपल से बैक हो जाना है और अपने जो भी मोबाइल फाइल में जो फाइल मैनेजर का जो एप्लीकेशन रहता है, इस माई फाइल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। इसको ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर राइट साइड कॉर्नर में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा। इस डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले हिडन फाइल। आप इसको यहाँ पे इनेबल कर लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है। अब क्या करना है, आपको यहाँ से बैक हो जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ़ोन स्टोरेज। आपको अपने मोबाइल के स्टोरेज में क्लिक करना है, ना कि एसडी कार्ड में। स्टोरेज में आप जब क्लिक कर लोगे फ्रेंड्स तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब फाइल मिल जाएंगे, आपका जो भी फाइल मैनेजर में होंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक एंड्रॉयड का फाइल मिलेगा, आप एंड्रॉयड के फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन फाइल शो हो जाएंगे। पहला है डाटा मीडिया और OBB, तो आपको मीडिया वाले फाइल पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि व्हाट्सअप का फाइल कहाँ पर शो रहा है। तो देखिए यहाँ पर COM मतलब कम डॉट व्हाट्सअप फाइल यहाँ पे बना हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। फिर से आपको व्हाट्सअप पे फिर से क्लिक करना होगा। इस पर जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक कर लोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक फाइल शो होगा मीडिया का, आप मीडिया पर क्लिक करोगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक फाइल शो होगा स्टेटस का, आप इस पर क्लिक करोगे। स्टेटस पर क्लिक करने के बाद अभी तक आपने जो जो भी स्टेटस को देखे हैं आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं, मतलब ये 24 आवर्स बाद भी इन सभी स्टेटस को आप इजीली देख पाओगे। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस पर, और क्लिक करने के बाद ये मतलब सपोर्टिंग खोज रहा है कि मैं किस एप्लीकेशन से आप इसको प्ले करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और देखिए ये स्टेटस ऑटोमेटिक प्ले हो गया है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से 24 आवर्स बाद भी किसी भी स्टेटस को दोबारा से देख सकते हो इस ट्रिक को यूज करके। तो आपको ये ट्रिक जरूर अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा कि रियली ये ट्रिक आपको पसंद आया या नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।